अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। तेज़ न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद असलम दानिश आपका मेज़बान। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा ने एक्सपर्ट की तजावीज़ एडवाइसेस को लेते हुए कर्नाटका में फुल लॉकडाउन करने का इशारा दिया है। वाज़ह है कि ये लॉकडाउन 10 मई 2021 से लेकर 25 मई 2021 तक नाफिज रहेगा। इस दरमियान कुछ सख्तियां होंगी, जैसे तमाम एक्सेप्शंस को कैंसिल किया गया है, यानी जो भी सहूलियात दी गई थी, कोई छूट दी गई थी, तमाम चीज़ों को मनसूख कर दिया गया है। दूसरी चीज़, रोज़ाना के एसेंशियल्स यानी ज़रूरी अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए सुबह 6 बजे ता 9 बजे तक का जो है टाइम दिया गया है। तीसरी चीज़, वाइन शॉप्स यानी शराब की दुकानें और होटल्स और रेस्टोरेंट्स को जो है बंद रहेंगे। चौथी चीज़, किसी भी किस्म की सवारियां यानी व्हीकल्स, चाहे 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, चाहे और कोई गाड़ी हो, अलाउड नहीं किया गया है। सिर्फ ऐसे इमरजेंसी जो है सवारियां चालू रहेंगी, जिस तरह से एम्बुलेंस है या फिर जो है हॉस्पिटलाइज के लिए जो है कोई गाड़ी जा रही है तो उसी को जो है इजाज़त होगी। बाकी कोई भी जो है सवारी यानी कि जो है 2 व्हीलर्स पर अगर कोई आने जाने वालों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। और ख़ास तौर पर एक चीज़ बताई गई है कि एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जो आना जाना होगा, यहाँ पर भी जो है इस पर पाबंदी लगाई गई है कि फुल्ली जो है लॉकडाउन करने के लिए, इलाकों में जो है आने जाने की आमदरफ्त को जो रोकने के लिए मेन रोड्स को भी जो है बंद किया जाएगा। आखिरी चीज़ ये बताई गई है कि किसी भी किस्म की तकारीब यानी फंक्शंस के लिए भी इजाज़त नहीं होगी। जिस तरह से जो है शादी ब्याह की जो है तकारीब होंगी या फिर जो है दूसरे कोई फंक्शंस होंगे जहाँ पर जो है पब्लिक जमा हो सकती है, तो ऐसे फंक्शंस की भी इजाज़त कतई तौर पर जो है इस दरमियान में नहीं होगी। यानी कि 10 मई से लेकर 25 मई के दरमियान ये फुली लॉकडाउन में इस तरह की जो है कोई भी तकारीब की इजाज़त नहीं होगी। इसी के साथ सख्ती के साथ जो है कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा ने तमाम रियासत भर के लिए खसूसी हिदायतें जारी की हैं, और सख्ती के साथ हिदायत जारी करते हुए बताया है कि तमाम लोग जो है खुद जो है सेफ रहने के लिए, अपने फैमिली को सेफ करने के लिए घरों पर रहें और सेफ रहें। बसवा कल्याण में लॉकडाउन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बसवा कल्याण के तमाम रास्तों को बैरिकेड्स के जरिए मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। वाज़ह है कि ये लॉकडाउन 25 मई तक लगातार जारी रहेगा।